हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे गुप्त काल के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था वाकाटक काल के बारे में, नाग वंश के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल के बारे में। इसी के जस्ट बाद जो है ये काल आता है, वाकाटक और नाग वंश के बाद गुप्त काल। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे कि गुप्त काल में कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, कौन कौन से यहाँ पे सम्राट या राजा हुए थे जिनके समय में जो भी कार्य हुआ था, और उसके बाद हम देखेंगे कि गुप्त काल में कौन कौन सी मूर्तियाँ बनी थी, किस किस धर्म से यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और यहाँ पर गुप्त काल के कौन से मंदिर हैं। ठीक है, उन पर हम चर्चा करेंगे इसके बाद। अभी हम जानते हैं कि गुप्त काल की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, तो देखिए, वाकाटक काल के समकालीन ही उत्तर भारत में एक नई शक्ति का उद्भव हुआ था, और गुप्त राजवंश प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों द्वारा इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग भी माना जाता है। 275 ईस्वी के लगभग गुप्त नामक एक राजा ने इस काल की नींव डाली थी। ठीक है, इस साम्राज्य की, जिसे गुप्त साम्राज्य कहा गया। अभी मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा आपको लिख के भी समझा दूँगी। ठीक है, पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए इसकी हिस्ट्री। तो गुप्त नामक जो जो एक व्यक्ति था, उसने 275 के ईस्वी के करीब लगभग इसने जो है इसकी नींव डाली, और इसकी जो नींव थी वो इसके पौत्र जो हुआ था चंद्रगुप्त, उसके समय में पक्की हुई थी। थोड़ा बहुत यहाँ पर काम हुआ था, और मतलब थोड़ा बहुत ये प्रभाव में ये जो साम्राज्य था ये आया था। ठीक है, उसके बाद इसका एक पुत्र हुआ, किसका, चंद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त, जो कि युद्ध कौशल में बहुत पराक्रमी था, बहुत अद्भुत युद्ध करता था। उसने अपने युद्ध व रण कौशल से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, और अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया। अश्वमेघ यज्ञ, आप जानते हैं कि कोई भी पराक्रमी राजा होता है वो अपना पराक्रम दिखाने के लिए अश्वमेघ यज्ञ करवाता है, और एक घोड़ा छोड़ता है, वो पूरे उसमें साम्राज्य में पूरी हर जगह घूमता है, उसे जो पकड़ लेता है उसको उस राजा से युद्ध करना पड़ता है जिस राजा ने इस घोड़े को मतलब छुड़वाया था, यज्ञ करवाता है। ठीक है, तो ये पराक्रम दिखाने के लिए किया जाता था। रामायण में भी आपने देखा होगा, राम द्वारा भी एक घोड़ा छोड़ा गया था। ठीक है, तो इन ये अश्वमेघ यज्ञ किया था इसने, और साथ में यह कला व संस्कृत में भी रुचि रखता था। गुप्त काल को स्वर्ण काल तक ले जाने का श्रेय, देखिए, जो चंद्रगुप्त द्वितीय, सॉरी, चंद्रगुप्त का जो बेटा था समुद्रगुप्त, वो कला और संस्कृति में रुचि रखता था, और वो उसके समय में साम्राज्य जो है बहुत विशाल भी हुआ था और बहुत प्रगति की थी युद्ध और कौशल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो है गुप्त काल को अगर स्वर्ण काल का अगर कहा जाए कि स्वर्ण काल तक ले जाने का श्रेय जो है वो समुद्रगुप्त के पुत्र, इसी के पुत्र जो था महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को जाता है। ठीक है, तो गुप्त काल का जो स्वर्ण काल था वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में जाना जाता है, और इसके समय में कला, साहित्य तथा अन्य सृजनात्मक विषयों का अभूतपूर्व विकास हुआ था। यह काल भारत के लिए एक गौरव का काल था। इसी ने मतलब जो विक्रमादित्य द्वितीय था, इसी ने ही जो है विक्रम संवत का आरंभ किया था। विक्रम संवत, जैसे कैलेंडर वगैरह होता है जो जहाँ से शुरुआत हुई थी उसी को विक्रम संवत कहते हैं, संवत और संवत वगैरह जो होता है उसी की इसने शुरुआत की थी विक्रम संवत की। और कवि कालिदास जो थे बहुत प्रसिद्ध थे, आपने सभी ने इसका नाम सुना होगा कालिदास का, इनका तो इसी के शासनकाल में ये हुए थे, विक्रमादित्य द्वितीय के, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में कालिदास भी हुए थे, और इसी के काल में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन आरंभ हुआ था। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद इसका पुत्र हुआ कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने विश्व प्रख्यात नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी।
ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की किसने स्थापना कराई? कुमार गुप्त ने करवाई। और इसके बाद कुमार गुप्त का पुत्र हुआ स्कंद गुप्त, ठीक है, तो जो कि भारत पर काफ़ी समय तक शासन करता रहा, लेकिन इसी जो कुमार गुप्त का पुत्र स्कंद गुप्त के समय में ही धीरे धीरे गुप्त वंश का पतन आरंभ हो जाता है। ठीक है, तो स्कंद गुप्त के समय से ही गुप्त वंश का धीरे धीरे पतन शुरू हो जाता है। गुप्त सम्राट जो थे वो अत्यधिक कला प्रेमी और साहित्य प्रेमी थे, और इस काल में चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला तीनों को बहुत ज़्यादा उन्नति मिली थी, और इसी कारण इस कारण ही कला के इतिहास में इस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इस काल के समस्त जो लगभग सारे मंदिर जो हैं वो नागर शैली के में बने हुए हैं। नागर शैली जानते होंगे आप, मंदिर बनाने की एक शैली है जो कि जिसका जो चबूतरा होता था वो चौकोर बनाया जाता था। ठीक है, नागर शैली का चौकोर चबूतरा, उसी के ऊपर पूरे मंदिर की नींव डाली जाती थी। मैंने इसमें वीडियो में बताया भी है नागर शैली के बारे में, आप नीचे मतलब प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वीडियो में नागर शैली के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, तो नागर शैली के मंदिर यहाँ गुप्त काल में अत्यधिक संख्या में पाए गए हैं, और इस काल में अनेक बौद्ध स्तूप, स्तंभ विहार एवं गुहा मंदिरों का निर्माण भी हुआ है, और यहाँ से कुछ बुद्ध मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। मंदिरों तथा मंदिरों में शिखरों का निर्माण कला का विकास गुप्त शासकों के समय से ही प्रारंभ होता है। मतलब मंदिर में जो शिखर बनाए जाते थे ऊंचे, उनका जो शुरुआत हुई थी वो भी गुप्त काल से हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों धर्म से संबंधित यहाँ पर मूर्तियाँ मिली हैं, और ज़्यादातर जो है जैन धर्म की कुछ कम है, हिंदू धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित ज़्यादा मूर्तियाँ यहाँ पर मिली हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया गुप्त काल, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, कितना क्या इसका समय, कौन कौन से राजा हुए, इनके बारे में मैंने आपको बताया है। इसके बाद चलिए पहले मैं आपको लिख के बता देती हूँ। देखिए, गुप्त काल का समय क्या है, 320 ईस्वी से 600 ईस्वी, 275 ईस्वी में गुप्त नामक एक व्यक्ति था जिसने गुप्त साम्राज्य की नींव डाली, गुप्त साम्राज्य की नींव। ठीक है, किसके समय में पक्की हुई नींव जो थी, इसने बनाया था, किसके समय में विकसित हुआ इसका जो साम्राज्य था, इसके पौत्र चंद्रगुप्त के समय में। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त का पुत्र हुआ समुद्रगुप्त, ठीक है, इसका पुत्र था समुद्रगुप्त। उसके बाद समुद्रगुप्त का जो, समुद्रगुप्त मैंने आपको बताया बहुत पराक्रमी राजा था, युद्ध कौशल में अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। उसके बाद इसका पुत्र हुआ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है, ये नाम है। ठीक है, इसका इसका समुद्रगुप्त का पुत्र हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, और इसके ही काल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। इसी के टाइम पे स्वर्ण युग के रूप में गुप्त काल को जाना गया, स्वर्ण युग, और इसी ने विक्रम संवत भी चलाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने विक्रम संवत। ठीक है, और इसी के समय में स्वर्ण मुद्राओं का भी प्रचलन हुआ था, स्वर्ण मुद्राओं का जो प्रचलन था वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में हुआ था। उसके बाद जो है इनका पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का पुत्र था कुमार गुप्त। ठीक है, कुमार गुप्त, इसने जो बहुत विख्यात विद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, नालंदा विश्वविद्यालय,
ठीक है। उसके बाद कुमार गुप्त का पुत्र हुआ स्कंद गुप्त, ये सबसे आखिरी था गुप्त वंश का राजा, और इसी के समय में धीरे धीरे गुप्त वंश का पतन आरंभ हो गया। ठीक है, तो आपको याद मतलब याद करने वाली चीज़ आपके लिए है, गुप्त काल का समय कब से कब तक है, 320 ईस्वी से 600 ईस्वी तक। कौन सा इसकी इसकी नींव किसने डाली थी, गुप्त नामक एक राजा मतलब व्यक्ति था, राजा था, उसने जो है गुप्त साम्राज्य की नींव डाली थी 275 ईस्वी के करीब। उसके बाद इसका पौत्र हुआ चंद्रगुप्त, जो कि उसके समय में साम्राज्य बहुत ही विस्तार रूप से फैला था, और उसकी नींव जो गुप्त साम्राज्य की वो पक्की हुई थी। ठीक है, उसके बाद उसका पुत्र हुआ समुद्रगुप्त का पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में स्वर्ण युग कहा गया गुप्त काल को, विक्रम संवत इन्होंने स्टार्ट किया और स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन इन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का पुत्र हुआ कुमारगुप्त, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। कुमारगुप्त के पुत्र हुआ स्कंद गुप्त सबसे आखिरी था, और उसी के समय में गुप्त साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो जाता। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये गुप्त साम्राज्य के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्त काल के मूर्तियों के बारे में, फिर मंदिरों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।